पीरियोडिक वन टेस्ट। ओके बच्चों, आपको पता ही होगा कि आपका जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है आपका पेन पेपर टेस्ट, सेकेंड है सब्जेक्ट एनरिचमेंट और थर्ड है आपका एक्टिविटी। ओके तो पेन पेपर टेस्ट में आपके इतने सारे चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका माय बॉडी, जो हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 2 इज माय फैमिली, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3 इज माई नेबरहुड, जो सब्जेक्ट एनरिचमेंट का चैप्टर है, जो हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके एक्टिविटी का चैप्टर चैप्टर नंबर 4, इसे भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा चैप्टर जो बचता है वो चैप्टर नंबर 7 है, इट्स नेम इज फूड। तो टुडे वी विल स्टार्ट आर दिस चैप्टर। ओके चैप्टर नंबर 7, इट्स नेम इज फूड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 7, इट्स नेम इज फूड। फूड को बच्चों हम हिंदी में भोजन कहते हैं। नाउ व्हाट इज फूड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फूड? समथिंग दैट पीपल और एनिमल्स ईट। पीपल मीन्स लोग, एनिमल्स मीन्स जानवर और ईट मीन्स खाना। तो जो भी चीज़ें लोग या तो जानवर खाते हैं उसे हम फूड कहते हैं। लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सेरल्स, मिल्क, एग, मीट। ओके क्लियर है? नाउ रीड इट अगेन। समथिंग दैट पीपल और एनिमल्स ईट। जो भी चीज़ें लोग या तो एनिमल्स खाते हैं उसे हम फूड कहते हैं। ओके जस्ट लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सेरल्स, एग्स, मीट, मिल्क एटसेट्रा। ओके नाउ अबाउट द चैप्टर, अब हम यह पढ़ेंगे कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ना है। ओके इन दिस चैप्टर वी विल रीड द सोर्सेस ऑफ फूड। इस चैप्टर में हम यह जानेंगे कि हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है व्हाई डू वी ईट फूड, हम भोजन क्यों खाते हैं। ओके हु नीड्स फूड, भोजन की आवश्यकता किसे होती है। ओके बच्चों स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल दैट दिस इज योर ईबस बुक। नाउ ओपन योर बुक एंड सी पेज नंबर 49। वी विल सी द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज। ओके We all require food to live and grow. Require means avashyakta, live means jeevit rehna and grow means badhna. Bachcho, hum sabhi ko jeevit rehne ke liye aur badhne ke liye food ki avashyakta hoti hai. Food is essential for us to be healthy and strong. Essential means avashyak, healthy means swasth, strong means मजबूत या पावरफुल। हमें स्वस्थ और मजबूत बने रहने के लिए भोजन बहुत ही आवश्यक है। वी विल नॉट बी एबल टू वर्क और प्ले विदाउट फूड। बच्चों एबल मीन्स होता है योग्य, वर्क मीन्स कार्य, प्ले मीन्स खेलना, विदाउट फूड का मीन्स होता है भोजन के बिना। हम भोजन के बिना किसी कार्य को करने या खेलने के योग्य नहीं होंगे। बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क और प्ले, क्योंकि भोजन हमें कार्य करने के लिए या तो खेलने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। स्टूडेंट्स आवर फर्स्ट टॉपिक इज सोर्सेस ऑफ फूड। इस टॉपिक में हम यह पढ़ेंगे कि हमें फूड कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। So, do you know from where we get our food? Yes, we get our food from plants and animals. मैं लिख दे रही हूँ उसको। We get means होता है प्राप्त करना। We get our food
भोजन प्लांट्स यानी कि पौधों और जानवरों से प्राप्त होता है। ओके, आइए अब हम यह देखेंगे कि हमें प्लांट्स से कौन कौन सा भोजन प्राप्त होता है। प्लांट्स से हमें फ्रूट्स, वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, सरस फ्रॉम प्लांट। प्लांट्स से हमें फ्रूट्स यानी कि फल, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियाँ, पल्सेस इट मीन्स दालें, सरस इट मीन्स अनाज, ये सारे प्रोडक्ट हमें प्लांट्स से प्राप्त होते हैं। ओके, रीड इट अगेन। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड सरस, ये सारे प्रोडक्ट हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं बच्चों? यस, प्लांट्स से। ओके बच्चों, अब हम यह जानेंगे कि हमें एनिमल्स से कौन कौन से प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। ओके, वी गेट मिल्क, एग्स एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स। हम एनिमल से मिल्क यानी कि दूध, एग्स यानी कि अंडे और मीट इट मीन्स मांस, ये सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं। ओके, वी गेट ऑल्सो डिफरेंट फूड आइटम्स फ्रॉम मिल्क। बच्चों, हम मिल्क से भी विभिन्न प्रकार के भोजन प्राप्त करते हैं जिसे हम मिल्क प्रोडक्ट कहते हैं। इसे हम यह भी कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट मिल्क से बने हुए होते हैं उसे हम मिल्क प्रोडक्ट कहते हैं। जस्ट लाइक कर्ड, बटर, घी, चीज़ एट्सेट्रा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आते हैं आपके होमवर्क और क्लास वर्क पे कि आज का आपका होमवर्क और क्लास वर्क क्या क्या है। स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर क्लास वर्क। इसमें आपको डेट और डे प्रॉपर मेंशन करनी है। जिस दिन आपको ये वीडियो मिल जाएगा उस दिन की आप डेट मेंशन करोगे और डे मेंशन करोगे, फिर चैप्टर का नेम राइट करोगे और उसके बाद फूड की डेफिनेशन जो भी राइट हुई है वैसे ही राइट करना है। नेक्स्ट इज अबाउट द चैप्टर। बच्चों, आपका होमवर्क है फिल पेज नंबर 48। इसमें आपको उन चीज़ों को सर्कल करना है जो चीज़ें आपको खाने में अच्छी लगती हैं। नेक्स्ट है आपका राइट द नेम्स ऑफ फूड आइटम्स दैट स्टार्टिंग विद द गिवन लेटर्स। बच्चों, जो भी लेटर आपके बुक में दिए गए हैं उस लेटर से स्टार्ट होने वाले कोई भी फूड आइटम्स के नेम आपको राइट करने हैं। थ्री स्पेलिंग्स आपके लिए पहले से ही फिल हुई है, उसी तरह से आपको और सारी स्पेलिंग्स भी फिल करनी है। दैट्स ऑल, थैंक यू।